If you are August born, this is a small gift for you. अभी तक आपने देखा होगा कि हमारे वीडियो में हमने डेट ऑफ बर्थ को काफ़ी बार एनालाइज किया है, जहाँ पे हमने आपके डेट के बारे में बात की है, साथ ही साथ आपके पूरे डेट ऑफ बर्थ के सम टोटल के बारे में भी बात किया है। परंतु वी हैवन डन एनी वीडियो वे जहाँ पे हमने आपके मंथ, जिस मंथ में आपका जन्म हुआ है, उसके बारे में बात किया है। एंड आप लोगों का काफ़ी बार रिक्वेस्ट आया कि मैम मेरा जन्म जनवरी में हुआ है या नवंबर में हुआ है या कोई भी महीने में हुआ है, उसका क्या मीनिंग होता है, हाउ डज़ इट इम्पैक्ट माई लाइफ। सो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपका जन्म अगस्त में हुआ है तो आप कैसे हैं, व्हाट आर योर कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स अ लिटिल बेटर। नमस्ते, मैं हूँ श्वेता सुरेखा और आप सब देख रहे हैं एंकर ऑफ होप। जैसे कि मैंने कहा कि इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे लोगों के बारे में जिनका जन्म अगस्त में है। सो अगर आपका जन्म अगस्त में है तो ज़रूर हमें जल्दी से कमेंट्स में बताएं, या अगर आपके किसी जानने वाले का जन्म अगस्त के महीने में आता है तो आप ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले द न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू ऑफ अगस्त एंड उसका क्या मीनिंग होता है, अगस्त में बॉर्न हुए लोगों के क्या सन साइंस होते हैं, देन व्हाट आर देयर गुड कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉट सो गुड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सम एडवाइस फॉर देम। अगस्त महीने का न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू क्या होता है, अगर हम अगस्त AUGUST लिखते हैं एंड एज पर चैल्डियन न्यूमरोलॉजी हम देखें तो A का वैल्यू 1 है, U इज 6, G इज 3, अगेन U इज 6, S इज 3 एंड T इज 4, तो ये टोटल करके आता है 23, जिसको आप फर्दर ऐड करते हो तो 2+3 विच कम्स टू 5। एंड अगस्त जो है वो 8वां महीना होता है साल का, सो इट गिव्स अस अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एंड 8। नाउ 5 एंड 8 इज एन एक्सेलेंट कॉम्बिनेशन, वो आपको ऐसी कैपेबिलिटीज देती है कि आप आसमान छू सकते हो। तो चलिए शुरुआत ही काफ़ी अच्छी है, राइट। नाउ आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें तो अगस्त महीने में जिनका जन्म होता है दे आर आइदर रूल्ड बाय लियो और वर्गो। अगर आपका जन्म 1 से लेके 22 अगस्त तक हुआ है तो आप लियो आपका सन साइन है, एंड अगर 23 टू 31 के बीच में आपका जन्मदिन आता है तो वर्गो इज़ योर सन साइन। अब आप कहोगे कि आपका जन्म अगर 22 या 23 तारीख को हुआ है देन आई विल से कि आप कस्प हो, एंड किसके कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा प्रेविलेंट है वो डिपेंड करेगा हम जब आपके पूरे डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करेंगे एंड आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे, देन वी विल कम टू नो कि आप मेनली किस सन साइन के अंडर फॉल करते हो, बट दे आर मोस्टली कस्प। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, जो है कि आपके पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपके बारे में, वो बातें जो आपको और लोगों से अलग करती है। अगस्त बॉर्न पीपल को अगर आप जानते हैं या आप खुद हैं तो आप देखोगे वे काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। आप उनके घर चले जाओ या उनके स्टडी टेबल या वर्क टेबल या उनके आसपास आप नज़र घुमा के देखो, आप देखोगे कि वे अपनी चीज़ों को ना सही जगह पर रखते हैं, उनका कमरा या रूम ऐसे बिखरा हुआ या फैला हुआ सा नहीं होता है। दे लाइक टू कीप थिंग्स इन अ नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। वे आउटगोइंग होते हैं, उन्हें मिलना फिर लोगों से मिलना घूमना फिरना पसंद होता है, परंतु साथ ही साथ उन्हें एक सॉलिट्यूड भी काफ़ी अच्छा लगता है। यू नो वे पूरा घूम फिर के आके फिर दे लाइक टू स्पेंड टाइम विद देमसेल्व्स। उनके लिए उनके जीवन में मी टाइम काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, दे लाइक स्पेंडिंग टाइम विद देमसेल्व्स। उसे उन्हें एक अच्छा फील आता है एंड दे कंटिन्यूसली लाइक टू कीप वर्किंग ऑन देमसेल्व्स। वे सेल्फ डेवलपमेंट पे काफ़ी ध्यान देते हैं, इम्प्रूव करते हैं अपने आप को, एंड उनमें जो जील एंड एंथुजियाज्म होता है वो बहुत काफ़ी हद तक होता है। दे डोंट गिव अप वेरी ईजिली, उन्हें आप किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल दो वे जल्दी से हार नहीं मानते हैं। साथ ही साथ आप देखोगे कि जो अगस्त बॉर्न पीपल होते हैं ना, उनके स्कूल डेज या अर्ली जो लाइफ होती है, अर्ली चाइल्डहुड लाइफ एंड जब तक वे स्कूल और कॉलेज में होते हैं, इट इज़ लिटिल स्ट्रगलफुल। वे
शायद पढ़ाई में जितनी मेहनत करते हैं उन्हें उतना रिजल्ट नहीं मिलता है, या कहीं पे भी वे जितना इनपुट देते हैं आउटपुट उसके कंपैरिजन में कम होता है। बट एज एंड व्हेन दे ग्रो इन देयर लाइफ, यू नो, जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं, स्कूल कॉलेज से बाहर निकलते हैं, वे अपने लाइफ में सक्सेस का अनुभव करते हैं, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाता है। एंड जहाँ आप देखोगे, यू नो, इट इज़ लाइक टू पर्सनैलिटीज़, जब वे एक यू नो यंग एज में रहते हैं वे अपने आप को इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, बट विथ एज दे गेट दैट कॉन्फिडेंस एंड दे कीप मूविंग अहेड इन देयर लाइफ। सो दे बेसिकली सी दैट सक्सेस एंड द गुड पार्ट नॉट सो अर्ली इन देयर चाइल्डहुड बट लेटर इन देयर लाइफ। वे काफ़ी जल्दी किसी से इम्प्रेस नहीं होते हैं, वे यू नो दे डोंट टेक थिंग्स फॉर द फेस वैल्यू, डेप्थ में जाते हैं। तो नंबर 8 वालों को, या यू नो मैं कहूँ कि ऑगस्ट बॉर्न वाले पीपल को इम्प्रेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एंड होगा ही ना, क्योंकि वे खुद ट्रेंड सेटर्स हैं। यू नो वे कुछ ऐसा करने की हिम्मत रखते हैं कि पूरी दुनिया बैठ के उन्हें नोटिस करती है। सो जब उनमें वो कैपेबिलिटी रहती है तो हर कुछ या हर कोई उन्हें इतनी आसानी से इम्प्रेस नहीं कर पाता है। ऑगस्ट बॉर्न पीपल काफ़ी अच्छे टीचर्स भी होते हैं, यू नो, उन्हें काउंसलिंग करना हो या अपने नॉलेज को इम्पार्ट करना हो, वे काफ़ी ब्यूटिफुली और अच्छे तरीके से कर पाते हैं। पुल ऑफ लाइफ होते हैं वे, उनमें ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वे एक पार्टी की या सोशल गैदरिंग की जान बन सकते हैं। उन्हें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना काफ़ी अच्छा लगता है, एंड दे काइंड ऑफ पुट एफर्ट्स ऑल्सो कि लोग उन्हें नोटिस करें। नो वे अगर अननोटिस चले जाएं तो इट डज नॉट गिव देम अ गुड फीलिंग, सो दे लाइक पीपल यू नो टेकिंग नोटिस ऑफ देम एंड उनके बारे में बात करें। साथ ही साथ वे यस काफ़ी सुपर स्टबर्न भी होते हैं, क्योंकि उनमें क्वालिटीज़ ही ऐसी होती है ना, दे आर ग्रेट अचीवर्स, उनका इंटेलेक्ट लेवल काफ़ी हाई होता है, आप उन्हें जल्दी से इम्प्रेस नहीं कर पाते हो, तो वे एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड पर्सन होते हैं, एंड इसीलिए कहीं कहीं वे काफ़ी सुपर स्टबर्न भी बन जाते हैं। अगर हम बात की तो हुई उनकी अच्छी क्वालिटीज़ के बारे में, यू नो द गुड थिंग्स अबाउट ऑगस्ट बॉर्न पीपल, बट अगर हम बात करें कि जो एरियाज़ है जिन पे उन्हें काम करना है, इम्प्रूव करना है, सो व्हाट आर दोज एरियाज़, नो ऑगस्ट बॉर्न पीपल कभी कभी काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, वे केवल अपने ऊपर इतना फोकस रखते हैं कि वे अपने आसपास के लोगों को निग्लेक्ट कर देते हैं, दे काइंड ऑफ यू नो टेंड टू इग्नोर देम, एंड वे केवल अपने अपलिफ्टमेंट, अपने लिए आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, विच इज़ नॉट सो गुड थिंग। एंड यस, जैसे मैंने कि कहा कि वे काफ़ी स्टबर्न होते हैं, तो इट काइंड ऑफ ट्रांसलेट्स इनटू बीइंग डोमिनेटिंग ऑल्सो, वे एट टाइम्स काफ़ी डोमिनेटिंग हो जाते हैं, वे अपने ओपिनियन से टस से मस नहीं होते हैं, दे वॉन्ट थिंग्स देयर वे, जैसा वे चाहते हैं चीज़ें वैसी ही होनी चाहिए। अगर उन्हें आप काफ़ी प्रोवोक कर दो तो वे एट टाइम्स वायलेंट भी हो जाते हैं, एंड दे लूज देयर सेल्फ कंट्रोल, दिस इज समथिंग विच दे रियली नीड टू वर्क ऑन। उनके जो जेन्युइन फ्रेंड्स होते हैं ना, काफ़ी लिमिटेड होते हैं, सो इट इज़ वेरी नेचुरली, जहाँ आप इतने स्ट्रांगली ओपिनिएटेड हो, डोमिनेटिंग हो, स्टबर्न हो, तो बहुत कम लोग होते हैं जो उनसे एक ट्रू लेवल पे कनेक्ट कर पाते हैं, एंड वे भी नहीं कर पाते, यू नो ऑगस्ट बॉर्न पीपल आर ऑल्सो हैप्पी एंड ओके विथ इट, बिकॉज उन्हें पता है कि उनका जो थॉट प्रोसेस है वे उनसे सब कोई नहीं मैच कर सकते हैं। साथ ही साथ बिकॉज दे आर सो पैशनेट एंड इन्वॉल्व इन देयर वर्क, एंड यू नो उनमें इतनी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है, तो उनका दैट एस्पेक्ट काफ़ी डोमिनेटिंग होता है, एंड उनके रिलेशनशिप्स इग्नोर हो जाते हैं। सो उन्हें वो बैलेंस करना आना काफ़ी ज़रूरी है, अदरवाइज दे सफ़र इन देयर रिलेशनशिप एस्पेक्ट, जो लाइफ में उन्हें फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स भी देते हैं, बिकॉज इट टेक्स देम टूवर्ड्स लोनलीनेस। अब कुछ एडवाइस ऑगस्ट बॉर्न पीपल के लिए, बिकॉज यू नो दे आर ब्यूटिफुल पीपल, एंड उनके लिए कुछ थोड़ी सी एडवाइस है जो अगर वे इम्प्लीमेंट करें सो दे देयर लाइफ कैन बी मच ब्यूटिफुल एंड मच बेटर। सो सबसे पहले आप अपने वर्क एंड रिलेशनशिप्स को इक्वल अटेंशन दें, डू नॉट इग्नोर वन ऑफ द थिंग्स, बिकॉज एक एस्पेक्ट सफ़र करता है तो यू नो आर लाइफ इज़ लाइक यू नो इट इज़ लाइक टू व्हील्स, अगर गाड़ी के 4 चक्के हैं उसमें से आगे के 2 अगर अच्छे से चल रहे हैं बट पीछे के चक्के आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो गाड़ी अच्छे से नहीं चल सकती, इट विल नॉट मूव फॉरवर्ड। सिमिलरली हमें अपने लाइफ में पर्सनल एंड प्रोफेशनल बोथ एस्पेक्ट को बैलेंस करके चलना काफ़ी ज़रूरी
ज़रूरी है एंड दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो ऑगस्ट बॉर्न पीपल को अपने दिमाग में रखना है एंड उस पर इम्प्लीमेंट करना है, उस पर काम करना है। साथ ही साथ आप बहुत बार सेल्फ डाउट में चले जाते हो एंड यू नो यू स्टार्ट डाउटिंग योर ओन कैपेबिलिटीज़ दैट इफ़ यू कैन डू दिस और यू कैन नॉट डू दैट, तो आप वो कॉन्फिडेंस रखें एंड अपने पाथ पे आगे बढ़ते रहें एंड यू विल डेफिनेटली गेट दैट सक्सेस। साथ ही साथ आपको ज़रूर कहूँगी कि आप नेचर के आसपास रहें, यू नो स्पेंड सम टाइम इन द नेचर बिकॉज वो आपको एक कामनेस देता है, आपके जो वायलेंस स्ट्रीक है उसको कम करता है, इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ मच बेटर। आप कोई ना कोई फॉर्म में मेडिटेशन ज़रूर करें एंड आप देखोगे कि आप अपने लाइफ में काफ़ी ग्रोथ कर रहे हो। सो दीज आर सम ऑफ द यू नो वेरी सिंपल एंड क्विक एडवाइजेज फॉर ऑगस्ट बॉर्न पीपल एंड येस ऑगस्ट बॉर्न पीपल हैव डन ग्रेट थिंग्स, दे हैव ह्यूज पोटेंशियल टू एंड श्रीदेवी इज़ एन ऑगस्ट बॉर्न, नारायण मूर्ति सर इज़ एन ऑगस्ट बॉर्न, ध्यानचंद हैं, देर आर रॉजर फेडरर, सत्य नडेला, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, काजोल, सो वी हैव अ लिस्ट ऑफ पीपल एंड अचीवर्स जो ऑगस्ट बॉर्न पीपल है। सो यू नो यू हैव दैट काइंड ऑफ केपेबिलिटी एंड साथ ही साथ अगर आप पेरीडॉट क्रिस्टल को पहनते हो या उसे यूज़ करते हो देन इट रियली सपोर्ट्स यू क्योंकि आपका मंथ ऑगस्ट है, आठ है एंड उसका क्रिस्टल है पेरीडॉट। सो डू वेयर इट एंड यू विल सी मिरेकल चेंजेस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड अगर आपका जन्म ऑगस्ट में हुआ है सो डू लेट अस नो इन द कॉमेंट्स। अगर आपके किसी जाने वाले क्लोज पर्सन का बर्थडे ऑगस्ट में आता है उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए एंड सी हाउ मच दे कैन रिलेट टू दिस। लीव अस अ कॉमेंट, लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट यू आर अपडेटेड एंड लेट अस नो वॉट नेक्स्ट यू वुड वॉन्ट टू सी इन आवर वीडियो एंड वील डेफिनेटली मेक वन। So thank you for watching us and blessing us.